नमस्कार, मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय न्यूज नेटवर्क। मुकेश अंबानी की अगुवाई वाले रिलायंस इंडस्ट्रीज की रिटेल इकाई को एक और निवेश मिला है। इस खबर के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर करीब 3% की बढ़त के साथ कारोबार करते दिखे हैं। शुरुआती कारोबार में रिलायंस का शेयर भाव 2000 रुपए के पार पहुँच गया है। आपको बता दें कि रिलायंस इंडस्ट्रीज की रिटेल इकाई में सऊदी अरब के पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड ने करीब 2% की हिस्सेदारी लेने के लिए निवेश किया है। ये निवेश 9,555 करोड़ रुपए का है। रिलायंस रिटेल ने पिछले 2 महीने में 47,265 करोड़ रुपए की निवेश पूंजी जुटा ली है। कारोबार के दौरान रिलायंस के अलावा BSE इंडेक्स पर महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज ऑटो, NTPC, टाटा स्टील, टाइटन, HDFC बैंक, ICICI बैंक शामिल हैं। गिरावट वाले शेयरों में कोटक बैंक, नेस्ले, पावर ग्रिड, टेक महिंद्रा और एक्सिस बैंक शामिल हैं। शुरुआती कारोबार में शेयर बाजार एक बार फिर बढ़त के साथ कारोबार करता दिख रहा है। इस दौरान सेंसेक्स 200 अंक मजबूत होकर 41,500 अंक के पार पहुंच गया है, जबकि निफ्टी 60 अंक मजबूत होकर 12,180 अंक के स्तर पर कारोबार करता दिखा। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों में जो बाइडेन जीत की ओर बढ़ रहे हैं, इस खबर से भारतीय शेयर बाजार उत्साहित है। यही वजह है कि बीते कुछ दिनों से बाजार में बढ़त देखने को मिली है। BSE का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स मजबूती के रुख के साथ खुलने के बाद दिन भर सकारात्मक दायरे में रहा। अंत में ये 724.2 अंक या 1.78% की बढ़त के साथ 43,340.16 अंक पर बंद हुआ। इस साल फरवरी मध्य के बाद सेंसेक्स पहली बार 41,000 अंक से ऊपर बंद हुआ है। सेंसेक्स ने 2020 कैलेंडर में हुए समूचे नुकसान की भरपाई कर ली है। 1 जनवरी 2020 को सेंसेक्स 41,306.2 अंक पर बंद हुआ था। तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 211.80 अंक या 1.78% के लाभ के साथ 12,120.30 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स के सभी शेयर लाभ में रहे हैं।